दिल ने फिर याद किया। देखा नहीं है अर्श का हिलना अगर कभी, टूटा हुआ किसी का जरा दिल दुखा के देख। किसी एक जुनून से भरे, जज्बात से भरे शायर का कलाम मालूम पड़ता है ना। बिल्कुल, वो एक ऐसे शायर, ऐसे नगमा निगार, ऐसे गीतकार, ऐसे सहाफ़ी जिन्होंने बचपन से ही अपने दिल पर बहुत सारे ज़ख्म खाए हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उन्होंने उन ज़ख्मों पर मरहम लगाने का काम भी खुद ही किया है और ये बखूबी उन्हें आया है और आज भी ऐसा कर रहा है। 50 साल जद्दोजहद उन्होंने की, फिर एक अपना आला मकाम, मुनफर्द मकाम हिंदुस्तानी सिनेमा में बनाया, ना सिर्फ हिंदुस्तानी सिनेमा में बल्कि अदबी दुनिया में भी। फिर उन्होंने ऐसा कुछ कहा, ऐसा कुछ किया कि हर एक के दिल में उनके लिए इतनी इज्जत, इतना एहतराम और इतना बड़ा रुतबा बन गया कि लोग उनके बहुत चहेते हो गए, दीवाने हो गए, ना सिर्फ अदबी हलकों में बल्कि हिंदुस्तानी सिनेमा में भी। इल्मी और अदबी में कहूँ, दोनों में इन्हें फौकियत हासिल है तो गलत नहीं होगा। और इन्होंने लोगों को मजबूर कर दिया ये कहने पर कि भाई हाँ, हमें आपसे बेहद मोहब्बत है। कहो ना प्यार है क्रिश, ये तेरा घर ये मेरा घर और भी बहुत, कोई मिल गया और भी बहुत बेहतरीन फिल्म है। खैर, इन्हीं से हम बहुत सारी बातें जानेंगे आज हमारे साथ, चूंकि वो आमने सामने रूबरू नहीं है, जो वक्त ऐसा चल रहा है तो इस वजह से थोड़ा हम उनसे उनके घर पे ही वार्तालाप कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ स्टूडियो से उनसे मुखातिब है। हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो दिल ने फिर याद किया में। कैसे हैं आप इब्राहिम साहब? फर्स्ट क्लास, दुआएं आपकी। आपकी जद्दोजहद अभी तक खत्म नहीं हुई है? हाँ, बस अब थोड़ी सी रिलीफ है, रिटायर्ड लाइफ है। रिटायर्ड लाइफ है, लेकिन आज भी आपके पोस्ट देख के ऐसा लगता है कि भाई वो जद्दोजहद अभी खत्म नहीं हुई है, अभी भी आज दिन में आप 20-20, 30-30 गीत लिखते हैं। अब थोड़ी रफ्तार कम हो गई है, क्योंकि जैसे जैसे समझ बढ़ती है वैसे वैसे ये क्वांटिटी कम होती जाती है। जब तक समझ नहीं होती है तो रफ्तार ज्यादा रहती है, जब समझ की गहराई आने लगती है तो फिर रफ्तार थोड़ी कम होने लगती है। मतलब आपको लगता है कि आप जिंदगी में जो 50 साल की जद्दोजहद रही उसमें काफी रफ्तारी से आप आगे बढ़ते गए और अब आपको लगता है कि जितना भी कमाया है, जितना भी नाम कमाया, जो माँ चाहती थी बड़ा आदमी बनना चाहिए, वो सपना तो मैंने पूरा कर लिया, अब जरा ठहराव जिंदगी में हो। तो अभी है, ठहराव है और एक पुख्तगी आ जाती है ना जी, जब किसी चीज में क्वालिटी बन जाती है तो फिर वो उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। खैर, आपके बचपन में हम जाएं, क्योंकि बचपन जो है आपका जद्दोजहद से भरा रहा। गई मरतबा जब हमने बात की, आपने कई सारी बातों का खुलासा किया, कई सारे पहलुओं पर से पर्दा उठाया कि बचपन आपका ऐसे बीता कि जैसे बहुत सारी परेशानियां थी, क्योंकि बचपन में ही आपको बहुत सारी जिम्मेदारियों का बोझ उठाना पड़ा। आपके बचपन में अगर हम झांकें तो ऐसा लगता है कि आपका बचपन इतना जद्दोजहद से, मुश्किल से भरा रहा है, कहीं ना कहीं मालूम पड़ता है कि वालिद साहब के साथ कुछ ना कुछ नाराजगी थी। ऐसा क्या था बचपन में कि वालिद साहब के साथ कुछ ना कुछ नाराजगी थी जिसकी वजह से आपका सहारा ज्यादातर आपकी माँ बनी? नहीं, वो कई बार क्या है कि ग्रह नहीं मिलते हैं ना। तो ग्रह कलेश चल रहा था। ये ग्रह कलेश फिर मिटा जब आपने अच्छा नाम कमाया, फिर उन्होंने आपसे बात की, आपसे मिले पर्सनली? उनका थिंकिंग नहीं बदला कभी। ओके, उनका थिंकिंग नहीं बदला। उनको पता नहीं क्या सोचते थे वो। हाँ। वो चाहते थे कि राज मजदूर बन जाऊं, उनके साथ कुएं बनाऊं, मकान बनाऊं। हाँ। और कलम का नहीं करूं जो वो करवाना चाहते थे मुझसे। हाँ। तो वो मैंने नहीं किया, मैंने अपनी डगर ढूंढी, अपना रास्ता इख्तियार किया। जी, मतलब हम ये कहेंगे कि बचपन में ही आप बागी थे। रास्ता चुनना चाहता था और उन्होंने तो 5वीं क्लास पढ़ने के बाद ही कह दिया था कि बस अब पढ़ाई-वढ़ाई बंद कर दो ये। खैर, आपने तो बचपन में ही मुलाजमत करनी शुरू की थी और शेर व अदब के साथ भी अच्छा खासा ताल्लुक आपका था। जब 1960s में इंडिया और चाइना वॉर हुआ था, उस बीच में कई सारे मुशायरे हुआ करते थे, उन मुशायरों में भी आप जब जाया करते थे, देखा करते थे, आपको ये महसूस होता था कि इनसे बेहतर शायर तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर है। कहीं ना कहीं वही एक दौर था जब आपके अंदर का जो शायराना पन था, जो शायराना तबीयत के आप पहले से ही थे, बचपन से ही थे,
वो उजागर हुआ, होना शुरू हुआ और आपने फिर काफी दर्द और तहसीन भी हासिल की है। जी जी जी, जी। तो 62 की बात है, 1962 जब चाइना ने हमारे मुल्क पे हमला किया था, उस दौर में हमारी शायरी की इब्तिदा हुई, देश प्रेम के साथ ही हुई। आप उन गिने चुने शायरों में से हैं जो अदब से आए, हिंदुस्तानी सिनेमा में फिल्मों में बहुत ही बेहतरीन नगमे दिए, सुपरहिट फिल्में दी, उसके बाद फिर अदब के साथ अपना एक अच्छा रिश्ता रखा, राबता रखा, जबकि हमारी इंडस्ट्री में कई सारे बड़े बड़े अदब नवाज जो थे, शायर हजरात जो थे, वो फिल्मी दुनिया में आए, तवज्जो ज्यादा फिल्मी लाइन को ही दी, उसके बाद अदब से थोड़ा थोड़ा वो पीछे हट गए, जबकि आप ऐसे शायर रहे हैं जिनके मुझे नहीं लगता इतने ज्यादा एल्बम्स जिनके सामने आए हैं, 200 से ज्यादा एल्बम्स आपके सामने आए, और वो भी तब जब बहुत बहुत बड़े बड़े शायर लोग थे इंडस्ट्री में, तब आपके एल्बम्स 200 से ज्यादा आ गए, ऐसा दौर देखा है आपने, लेकिन कहीं ना कहीं जदोजहद ज्यादा रही, ये जदोजहद इतनी ज्यादा रही, आपको कहीं ना कहीं एहसास तो ये नहीं होता है कि आप चूंकि बहुत नरम मिजाज के थे, नरम तबीयत के थे, आपके अंदर वो कमर्शलाइज पन नहीं था, जिस वजह से आपको थोड़ा बहुत आपकी शराफत की वजह से काफी कुछ सहना पड़ा, डोंट यू थिंक लाइक दैट? जैसे मजरू साहब हैं, साहिल साहब हैं, शकील बदायूनी हैं, इनका इतिहास मेरे सामने था, इनकी तारीख मेरे सामने थी, ये जब फिल्मों में आए तो इन्होंने अदब को फिर बाद में अदब के लिए कुछ किया नहीं, लेकिन ये चाहता था कि अदब में ज्यादा काम हो, तो फिल्मों में आने के बाद अदब का काम ज्यादा किया, फिल्म का तो, लेकिन अदब का काम मैंने ज्यादा किया, 20 किताबें मेरी आई, जबकि इन लोगों की एक दो दो किताबें आके रह गई जो फिल्मों में आने से पहले आई थी, बाद में इन्होंने कोई काम नहीं किया अदब के, और मैंने फिल्मों में आने के बाद अदब के लिए ज्यादा काम किया, तनकीद हो चाहे गाना हो, और सब सब में काम किया, यहाँ तो शायर सिर्फ निरा शायर बन के रह जाता है, मैंने तनकीद में काम किया, अफसाने लिखे, समझे, और से शायरी के अलावा भी दूसरे जो असनाफ सुखन थे, रुबाई में काम किया, दोहे में काम किया, मरसिए की मेरी एक किताब है करबला, तो मरसिए में, तो इस तरह मुख्तलिफ कहना चाहिए कि विधाओं में मुख्तलिफ असनाफ में मैंने काम किया, और तजर्बे करने का मुझे शौक रहा, तो मैंने तजर्बात किए। बिल्कुल, तजर्बे की आप बात कर रहे हैं, आपने बचपन से जितनी भी शायरी कही है वो अपने जिंदगी में जो भी आपके साथ घटित हुआ, जो भी आपके साथ पेश आया, आपने अक्सर और बेशतर अपनी गजलें, नज़में या रुबाइयों में उस बात का जिक्र किया है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये हमारी ही कहानी है, ऐसा लगता है कि आप वार्तालाप करते हैं एक आम इंसान के साथ, आपका वो जो कम्युनिकेशन है, आपसी कम्युनिकेशन, जैसे आप हमारे साथ एज अ दोस्त, शायर नहीं, एज अ दोस्त बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि इथिकल वैल्यूज रहे हैं आपकी शेर व शायरी में ज़्यादातर, इसकी वजह मुझे लगता है कि शायद ये भी रही है क्योंकि आपने बचपन से काफ़ी कुछ सहा, काफ़ी कुछ देखा, क्या एक शायर पर इसका प्रभाव पड़ता है, एक नगमे निगार पर? बिल्कुल, जो शायर या कोई भी आर्टिस्ट हो या फनकार हो, उसकी जो जिंदगी रहती है वही उसके फन में ढलती है, जो हमने महसूस किया, जो जिंदगी में तजर्बात हुए, उसी को हमने शायरी बनाया, वही हमारी शायरी में नजर आता है, तो हर फनकार जो भी है, जो भी कलमकार है, उसकी जिंदगी ही उसका फन बन जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अच्छा, आपका एक और शेर मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, उसके रिलेटेड एक सवाल पूछना जरूर चाहूंगी आपसे, आपके पास तो बहुत सारी यादें हैं, ऐसी ऐसी यादें हैं कि जिन्हें सुनना बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे अजनबी लोगों से जब मिलना हुआ और भी हम तो अकेले हो गए, आपको कहीं ना कहीं हर पड़ाव पर ये लगा कि ये दुनिया में माँ के अलावा हर एक आपके लिए अजनबी है, जिसे भी आप दोस्त बनाना चाहते हैं तो वो आपसे छिन रहा है, दूर हो रहा है, भले ही आपने मुलाजमत की, आपने एज ए टाइपिस्ट काम किया, आप टाइपराइटर के टीचर बने इंदौर में, वहाँ से जब आप निकल कर आए दिल्ली, और दिल्ली में आपने शमा के साथ काम किया 6 साल, सरिता के साथ काम किया, यानी उर्दू हिंदी दोनों ज़बानों पे आपको अबूर हासिल था, दोनों में आपने अच्छा काम किया, लेकिन एक पॉइंट पे जब आपने सोचा कि नहीं, अब आपको थोड़ा सा फिल्मों की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करना है, तो फिल्मों में जब आप आए,
आपके जहन में ये बात थी कि आपका कोई अपना है वहां पे जो अजनबी नहीं है, जो आपके ससुराल से था। आप तो चले आए मुंबई, लेकिन जब एक्सपेक्टेशंस पर वो खरे नहीं उतर पाए, उन्होंने आपको बहुत तकलीफ दी। दिलीप कुमार साहब के साथ आपके फोटोग्राफ्स, तलत साहब के साथ आपके फोटोग्राफ्स, एल्बम्स आपने दिखाए, उन्होंने सब तोड़ मोड़ के फेंक दिया और लिटरली आपसे ये कहा कि इसमें कुछ बात नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपको ऐसा लगा उस मोड़ पर कि आपने गलती की, मतलब अपनों का दामन थामने की कोशिश की लेकिन अपनों ने आपका दिल तोड़ दिया? शख्स थे, बड़े राइटर थे और अलीगढ़ से गोल्ड मेडलिस्ट भी थे, बिल्कुल अंग्रेजों की तरह बोलते थे और उन्होंने बैराग जैसी फिल्म लिखी दिलीप कुमार के लिए, जिसमें दिलीप कुमार के तीन रोल थे। इसके अलावा भाईजान और बेनजीर और अच्छी अच्छी फिल्में डायरेक्ट की उन्होंने, तो उनकी जिंदगी फिर भी नाकामियों से भरी पड़ी थी, तो वो हमेशा नेगेटिव सोचते थे। मेरी बचपन से जो थिंकिंग रही है, भले ही कितनी भी जद्दोजहद रही हो, कुछ भी रही हो, मेरी शायरी भी पॉजिटिव रंग की है, तो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग का रहा हूँ मैं, नेगेटिव नहीं सोचता कभी भी जिंदगी के। तो हम दोनों में यही फर्क था कि वो जो शख्स थे जो मेरे अजीज होते थे, नेगेटिव उनका थिंकिंग था, वो हर में कोई ना कोई नेगेटिविटी ढूंढ लेते थे और मैं चूंकि पॉजिटिव इंसान था, मैं पॉजिटिविटी सोचता था, जिंदगी में पढ़ने के बारे में सोचता था, तो हम में यही इख्तिलाफ रहता था हमेशा और वो इख्तिलाफ रहा, हम दोनों में बनी नहीं कभी जी। लेकिन जब आपने अच्छा नाम कमाया, ठीक है, HMV से फिर आपको ऑफर आया, राइट, तो उसके बाद आपका एक लंबा सिलसिला शुरू हुआ, ठीक है। उसके बाद जब आपको ऊंचाई पे उन्होंने देखा, कभी वो आपसे मिले और उन्होंने आपसे माफी मांगी या फिर उनका रिएक्शन क्या था, आपने महसूस किया है कभी? रिएक्शन तो यही था कि वो छटपटा के रह जाते थे, हाँ, और हम किए जा रहे थे, हमें कामयाबियां मिल रही थी, हाँ, तो बस यही, उनके साथ मिलना जुलना तो रोज ही होता था कि हम एक ही जगह रहते थे, एक हाउस में रहते थे, मिलना तो रोज ही होता था, बल्कि उनका जब इंतकाल हुआ तो सब वगैरह सब मैंने ही की, मैंने ही सब कुछ किया उनका, मिलना तो उनसे रोज होता था, हाँ। ये कि वो एक बीच में एक कहना चाहिए कि इख्तिलाफ की जो एक बात थी वो हमेशा बरकरार। अच्छा, इख्तिलाफ एक जगह और शायर लोगों का मिजाज दूसरी तरफ, क्योंकि शायर जो है वो बड़ा जज्बाती होता है, बड़ा इमोशनल रहता है, उसको तो अपने काम से, अपनी फनकारी से वास्ता है, बाकी चीज़ें जो भी नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं उनको भी पॉजिटिव में बदलता है और अपनी शायरी कह देता है। इनफैक्ट ये सारी चीज़ें अगर लाइफ में एक शायर के नहीं आएंगे तो पुख्तगी नहीं आएगी। आप महसूस करते हैं ये कि इस वजह से ये जो सारा आपके साथ हुआ, नेगेटिव एलिमेंट ज़्यादा, मुश्किल ज़्यादा, इस सब ने आपको एक पक्का और पुख्ता शायर बनाया, अदब नवाज बनाया? हाँ, ये जो जितनी भी जद्दोजहद होती है जिंदगी की, इससे इंसान की शख्सियत तो बनती है, तजुर्बात होते हैं और तजुर्बात से जो है शख्सियत में निखार आता है, क्योंकि आदमी के यहाँ समझ पैदा होती है इन चीजों से, हर तजुर्बा जो है आपको एक नई समझ, नई सोच दे के जाता है और इससे इंसान की शख्सियत जो है वो बनती चली जाती। आपको कहीं ना कहीं एहसास होता है एक शरीफ इंसान को इस इंडस्ट्री में कुछ ज्यादा ही झेलना पड़ रहा है? अगर वो दिमाग से सुलझा नहीं है, दिमाग से पक्का नहीं है, तो वो बेचारा तो मर ही जाएगा। बात इंडस्ट्री की नहीं है, हर शोबे की है ये। आप प्राइवेट ऑफिसेस में चले जाइए, वहाँ क्या कम पॉलिटिक्स होती है, बहुत पॉलिटिक्स होती है। आपस में चार बंदे हैं अगर किसी ऑफिस में, वो एक दूसरे से पॉलिटिक्स करते रहते हैं, सियासत चलाते रहते हैं, अपने मालिक से कहना चाहिए कि वजन रहते हैं, और ये हर जगह होता है ये। अच्छा, क्या है, फिल्म लाइन चूंकि एक ग्लैमर की लाइन है, यहाँ की बात ज्यादा लाइट में आ जाती है, सही, और दूसरी जगह की बातें लाइट में नहीं आ पाती है, इसलिए चीजें दबी रहती है। बाकी इंसानी
कहना चाहिए कि सोच है, इंसानी मिजाज है कि ये पॉलिटिक्स तो हर जगह चलती है और मौजूद है जी। क्योंकि आप तो हमेशा अपने शर्तों पे जिए हैं, आपने बिल्कुल अपने काम के साथ इंसाफ किया है और आप पॉलिटिक्स में कभी पड़े ही नहीं हैं, आपने अपनी एक अलग राह ही बनाई और आपने अच्छा नाम कमाया और अच्छे लोगों के साथ काम किया, अदब के साथ भी आप हमेशा रहे, मुंसलिक रहे। अगर हम अब आपकी फिल्मी दुनिया में आ जाएं, मोहब्बत इनायत करम देखते हैं, तो ये इनायत आप पे की थी राजेश रोशन साहब, जिनके आप बहुत दीवाने थे, कई और भी संगीतकार थे, लेकिन राजेश रोशन साहब की संगीतकारी में, उनकी मौसीकी में आपको क्या महसूस होता था कि अगर मुझे फिल्मी दुनिया में नाम कमाना है तो इस बंदे के साथ मुझे काम करना है? अक्सर और बेशतर आपकी फिल्में जो है वो राजेश रोशन साहब के साथ ही है शुरुआत में? नहीं, मैं जब इंडस्ट्री में आया तो हर अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम करना चाहता था। जैसे जयदेव थे, उनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला। एक फिल्म भी थी, तो वो जयदेव का कुछ मिजाज ऐसा था कि उनसे मेरी निभी नहीं। और भी जो अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर थे उनके साथ मैं काम करना चाहता। राजेश रोशन चूंकि वो जूली से बहुत हिट हो गए थे और जूली का बिल्कुल एकदम मौसीकी में फ्रेशनेस थी, तो मुझे अच्छा लगा था उनका काम और था कि उनके साथ भी काम किया जाए। एज ग्रुप वो मेरे मुझसे थोड़े 2-4 साल बड़े ही रहे होंगे, तो उसका भी फर्क पड़ता है। तो मैंने बहुत चक्कर लगाए उनके यहाँ, लेकिन उनका एक सेक्रेटरी था वाला जी, जिनको बाद में निकाल दिया गया, जिन्होंने आपको मिलने नहीं दिया राजेश रोशन से। हाँ, वो मेरी वजह से नहीं निकाला, उसकी हरकतें ही कुछ ऐसी थी जिसकी वजह से वो निकाला गया वहां से। तो उसने मुझे 2-3 साल मेरे बर्बाद किए, राजेश से मुलाकात करने में 2-3 साल बर्बाद किए। इतना वाहियात आदमी था। और ये ज्यादातर म्यूजिक डायरेक्टरों के यहाँ, डायरेक्टरों के यहाँ इस तरह के लोग होते हैं जो सही लोगों की पहचान तो जानते नहीं है। अगर वो जानते ऐसी पहचान तो वो खुद ही डायरेक्टर बन जाते, सही बोल रहे, या खुद बड़ा काम करते। लेकिन ये छोटे लोग होते हैं जो जिनको समझ नहीं होती है, तो सही इंसान को ये लोग पहचान नहीं पाते हैं। और इसलिए वो शख्स भी मुझे 2-2.5 साल तक पहचान नहीं पाया और उसने राजेश रोशन से मिलने नहीं दिया। मश साहब, बातों का सिलसिला बिल्कुल जारी रहेगा, लेकिन फिल वक्त लेना पड़ेगा हमें एक छोटा सा ब्रेक। आप हमारे साथ बने रहिए, दिल ने फिर याद किया हमें, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलेंगे राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। दिल ने फिर याद किया, दिल ने फिर याद किया मैं बीती यादों के साथ आपका तहे दिल से स्वागत है। आज बीती यादें अपनी दोहरा रहे हैं हिंदुस्तानी सिनेमा का जाना माना नाम, बहुत ही मायानाज सहाफी और शायर नगमे निगार इब्राहिम अश साहब। चलिए इनसे मजीद गुफ्तगु करते हैं। खैर, आपकी जब मुलाकात राजेश रोशन साहब से हुई तो वो तो आप पे लट्टू हो गए थे, आप पे फिदा हो गए थे। जब आप से उन्होंने ये पूछा था कि आपने जो लिखा है, जो गजलें आपकी हैं, जो गीत आपके हैं, आप पढ़ के सुनाइए, और तुरंत उन्होंने उसमें से कई सारे ऐसे गीत हैं जो उन्होंने उसी वक्त लॉक कर लिए अपने आगे वाली फिल्मों के लिए, और उसके बाद फिर रास्ता बड़ा हमवार हो गया आपके लिए। तो आप राजेश रोशन साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं इसके लिए कि उनकी वजह से एटलीस्ट आपको रिकग्निशन मिल गई इंडस्ट्री में? हाँ, हम लोगों का मिजाज मिल गया था। वो मेरी शायरी पसंद करते थे और मैं उनकी मौसीकी पसंद करता था, तो ताली हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। क्योंकि आप उन्हें बहुत सारे वर्सेस देते थे एक साथ में, और उसमें वो सिलेक्ट करते थे, जो भी राजेश रोशन साहब के साथ आपने काम किया या राकेश रोशन साहब के साथ आपने काम किया,
उनकी फिल्में, हम क्रिश की बात करें, हम कोई मिल गया की बात करें, हम कहो ना प्यार है की बात करें, या आगे जाके जितनी भी फिल्में आपने उनके साथ की या प्रियदर्शन के साथ आपने फिल्में की उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ ये है कि एक म्यूजिक डायरेक्टर को वही एक लिरिसिस्ट नग्म निगाह चाहिए जो उसके मन मुताबिक काम करता है। और आपके अक्सर जो गाने हैं जो उनकी फिल्मों में, राज रोशन की फिल्मों में, वो लंबे हैं, उन्होंने वो कम नहीं किए हैं। कुछ गाने ऐसे हैं जो 6-7 मिनट के हैं, तो मतलब वर्सेस इतने अच्छे लगते थे उन्हें, कितने वर्सेस आप देखे जाते थे उन्हें और किस तरह से लिखवाते थे आपसे वो? मेरी शुरू से आदत ये रही है कि अगर किसी को कोई चीज पसंद नहीं आए तो उसको चेंज कर देना, बदल देने का और उसकी जगह दूसरा ऑप्शन देने का, ये मेरी आदत रही। तो मैं कई बार गानों के भी जो गीत होते थे मेरे, उसमें भी 5-5, 6-6 अंतरे लिखता था। कई बार मैंने 20-20 अंतरे लिखे, कई बार 13-14 अंतरे लिखे। कहो ना प्यारे का टाइटल सॉन्ग था, उसके 13 लिखे मैंने। तो इस मैं ऑप्शन बहुत देता था, अब उसी में से सिलेक्ट कर लेना होता है अच्छे जानकार आदमी को। कई लोग जो जानकार नहीं होते तो वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि नहीं ये लूं तो कौन सा रखूं। लेकिन एक्सपीरियंस मुझे सुभाष घई के साथ अच्छा हुआ। मैंने उनके साथ एक ब्लैक एंड व्हाइट जी, उसमें मेरे 7 गाने थे, तो मैंने जो भी लिखा और 5-6 में ऑप्शन देता था, तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये मिश्रा बदल दीजिए या ये लाइन बदल दीजिए। उन्होंने 5-6 अंतरों में से 3 अंतरे अपने लिए सिलेक्ट कर लिए, ये बस, और उस किसी को चेंज नहीं करवाया, बदलवाया नहीं। क्या बात है। तो ये जो अच्छा, क्योंकि सुभाष घई साहब खुद राइटर रहे हैं, उन्होंने कई फिल्में लिखी है, तो वो जानते हैं कि राइटिंग क्या होती है। सही। तो मैंने वो फिल्म की तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सुभाष घई। और अगर आप देखें ब्लैक एंड व्हाइट के जो मेरे गाने हैं, वो प्यारे गाने हैं, सुखविंदर का म्यूजिक है उसमें, दर्जे के हैं, आला दर्जे के। इनफैक्ट आपने हर एक फिल्म में आला दर्जे के ही गीत लिखे है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आला दर्जे के शायर है आप, अदब नवाज है आप, ऑब्वियसली लिटरेचर के साथ आपका जुड़ाव रहा है, दैट इज द रीजन कि आपकी शायरी में वो बात है, वो एसेंस है, वो जायका है जो हर एक के दिल में एक खास जगह बनाता है और कानों को छूकर गुजरती है। वो जितने भी अल्फाज हैं, आपके अल्फाज की जादूगरी है। खैर, आपने सुभाष घई का जिक्र किया, इनफैक्ट मैं ये कहूँ कि आपने कॉमेडी फिल्मों के लिए भी गाने लिखे। प्रियदर्शन साहब की बात करें तो ये तेरा घर ये मेरा घर, उसके लिए आपने गाने लिखे। कैसे ये भोले भाले अंदर से काले हैं। प्रियदर्शन साहब के साथ कैसा इक्वेशन था, क्या उन्हें भी आपने एक साथ बहुत सारे वर्सेस दिए, बहुत सारे शेर दिए, फिर उन्होंने सेलेक्ट किए उसमें से, क्या उनके साथ इक्वेशन था? और ये गाना जो है सरस्वती, ये बना कैसे फिर? ये टाइटल था सरस्वती, उसका हीरोइन का नाम था। वो प्रियदर्शन चाहते थे कि ये हीरोइन का नाम भी आए और इसी पे गाना हो। तो म्यूजिक डायरेक्टर थे, हमने उनके साथ ये गाना बनाया और प्रियदर्शन जी को बहुत पसंद आया। और ये गाना मतलब नाम के साथ इस तरह से कोई गाना आए जो जिसमें कैरेक्टर का इन्वॉल्वमेंट हो, कैरेक्टर आए उसमें और वो हिट भी हो जाए, ये बहुत कम होता है जी, बहुत कम होता है भी। खैर, और भी हम आगे जाएं, अब वेलकम फिल्म की बात करें, तो आप जिस तरह के शायर हैं, अदीब हैं, आपकी शायरी जो है उसमें एसेंस ऐसा रहता है, फ्लेवर ऐसा रहता है कि किसी को भी नहीं लगेगा कि भाई ये छुछोरा है या इस तरह का इन्होंने लिखा है या वल्गैरिटी है। अगर हम बात करें आपके आइटम सॉन्ग की जो वेलकम के लिए आपने लिखा, आपने कैसे हाँ कर ली उस गाने के लिए? होठ रसीले तेरे होठ रसीले कैसे हाँ कर ली आपने? ऐसा कभी महसूस नहीं होता था कि अब्राहम अश साहब कुछ इस तरह का भी लिख सकते हैं। दरअसल क्या था कि मैं गार्डन में घूम रहा था और उसमें एक गाना बहुत चल रहा था, आइटम सॉन्ग ही था लेकिन बहुत अच्छा गाना था वो, कजरारे कजरारे जी, जिसमें आशुरा पे फिल्म आ गया, बंटू और बबली फिल्म का जी, वो गाना बहुत चल रहा था और आइटम सॉन्ग था और उसमें डांस भी
तीनों ने बहुत अच्छा किया था, ऐश्वर्या ने, अमित जी ने, और उनके बेटे बच्चन ने, तीनों ने, तीनों का डांस भी बहुत अच्छा था। वो कई बार देख देख के और मुझे बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, जिधर देखो उधर वो बज रहा है आंखों की बात, नैना कचरारे और ये और वो, ये सब आंखों की बात ही क्यों करते, होंठों की क्यों नहीं करते? हमने कहा कि हम होंठ की बात करेंगे। हाँ। इस तरह से मैं गार्डन में घूम रहा था और एक मुकड़ा मेरे जहन में आया कि होंठ रसीले तेरे होंठ रसीले। हाँ। बहुत अच्छा मुकड़ा हुआ। और पास में ही हमारे घर के, मैं बिलत नगर में रहता था, उससे थोड़ी दूर आनंदराज आनंद का सिटिंग रूम था, म्यूजिक रूम। तो मैं उनके पास गया, उनसे अच्छी दोस्ती थी, तो मैंने जाके उनको सुनाया। मैंने कहा ये यार एक मुकड़ा हुआ है और इसके अंतरे भी हो गए, बहुत अच्छा गाना हो गया है, देखिए इसको। उन्होंने सुना, फौरन धुन बनाई और कहा कि बस ये तो बहुत हिट गाना है, अशराब आप गाना दे दिया हमें। तो फिर वो गाना उन्होंने ये अनीस बज्मी को सुनाया तो उनको बहुत पसंद आया। हाँ। फिल्म वेलकम के लिए रख लिया वो गाना और बहुत ही जबरदस्त तरीके से उसका पिक्चराइजेशन किया। हाँ जी, और वो हिट गाना बन गया, आज भी वो बहुत हिट है, चार्ट बस्टर है वो गाना। कभी कभी एक शायर भी चाहता है, एक राइटर भी चाहता है कि भाई म्यूजिक डायरेक्टर या फिल्म मेकर जरा उसका भी सुने। लेकिन जिन जिन लोगों ने आपका सुना है या आपको समझा है, उनके साथ आपकी इक्वेशन बहुत अच्छी रही है। ऐसे कई डायरेक्टर्स है क्या, फिल्म मेकर्स है या म्यूजिक डायरेक्टर्स है, जिन्होंने आपकी नहीं सुनी और आपने उनकी फिल्मों को नकार दिया? हैव यू सेड नो? मैंने जिन म्यूजिक डायरेक्टर के साथ एक बार काम किया, उन्होंने मुझे रिपीट जरूर किया। ये एक अच्छी बात रही कि मेरे काम को म्यूजिक डायरेक्टर पसंद करते थे, और इसीलिए जब एक फिल्म किसी के साथ कर ली तो फिर उसके साथ कई कई फिल्में मैंने की। और ऐसा कोई म्यूजिक डायरेक्टर नहीं रहा जिसके साथ कभी, जब मुझे पसंद नहीं आया कि ये समझ नहीं है शायरी की और ये काम को ठीक तरह से अंजाम नहीं दे पाएगा, तो मैं खुद हो जाता था। कुछ फिल्मों का नाम जानना चाहेंगे जिन्हें आपने ना कहा, जो आपके पास आई और आपको कुछ जमा नहीं, या कोई सिचुएशनल सॉन्ग ऐसा था जो आपको जमा नहीं और आपने ना कह दिया, वो बोलना पड़ेगा आपको। जाने दीजिए लोगों के बाद। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हमें बस अपने शर्तों पर जीना आता है। बस। इब्राहिम साहब, आपके साथ बातों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस छोटे से अंतराल के बाद हम मिलेंगे आप सभी से छोटे से ब्रेक के पार। स्टे ट्यून्ड। दिल ने फिर याद किया, दिल ने फिर याद किया मैं ब्रेक के पार आप सभी का स्वागत है। आइए मजीद गुफ्तगू करते हैं हिंदुस्तानी सिनेमा के जाने माने मशहूर मारूफ गीतकार, नगमे निगार और सहाफी इब्राहिम अर्श साहब से। आपका काम तो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन कुछ और चीजें मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी। जैसे क्रिश की अगर हम बात करें, क्रिश में भी आपने जो गाने दिए हैं, दौर ऐसा था कि तब कुछ अलग तरह का लोग लिखते थे, अलग तरह का बनता था, लेकिन आपने वो शायरी को बरकरार रखते हुए बहुत ही बेहतरीन गाने दिए हैं उसमें, क्रिश में भी। हुआ क्या कि कहो ना प्यार है से पहले जो की हालत हो गई थी इंडस्ट्री में, उसमें गाने बहुत ही वल्गर आने लग गए थे, और जैसे जज झोपड़ी चच चार मीनिंगफुल गाने नहीं थे। तो हमने कहो ना प्यार है में काम किया, वो मीनिंगफुल, शायरी जो होती है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। अगर नहीं है शायरी में तो फिर वो शायरी नहीं, या जो लिरिक्स में अगर मीनिंग नहीं हो तो वो मानी आफरीनी नहीं हो, जिसे उर्दू में हम कह सकते हैं, तो फिर वो शायरी नहीं हो, बंदी हो जाती है।
अब उस तरह के वल्गर गाने आने लग गए थे और फिल्म इंडस्ट्री में कहना चाहिए कि इसका जो स्तर है, मयार जो है शायरी का, जी गिरता जा रहा था। जैसे ही कहो ना प्यार है हमारी फिल्म आई और जो मीनिंगफुल गाने लोगों ने सुने, तो इन गानों ने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, 50 इयर्स का रिकॉर्ड तोड़ा, न सिर्फ मकबूलियत में बल्कि HMV को मालामाल कर दिया। और डाउन हो गया था उस जमाने में HMV का, तो HMV ने CD और ये बेचे कि उन्होंने 80 लाख रुपए की गाड़ी ऋतिक रोशन को दी। हालांकि वो जो अवार्ड मिलना चाहिए था वो ऋतिक रोशन के गाने तो नहीं बिके थे, हमारे गाने थे जी। मतलब आपको मिलना चाहिए था वो अवार्ड। में ऐसी बातें होती है, जैसे आपके काम की वजह से कोई फिल्म चलती है, लेकिन जब वो फिल्म हिट हो जाती है, बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ देती है, लेकिन उससे एक बंदे को भूल जाते हैं जिस बंदे की वजह से मकबूलियत मिली है। तो आपको इस बात की हमेशा खलिश रही है लाइफ में कि इंडस्ट्री में ऐसा क्यों है, व्हाई इज इट सो, कि जिस बंदे की वजह से आपने इतना पैसा कमाया, रिकॉर्ड ब्रेक हुए, लेकिन उसी बंदे को आप भूल जाते हो। वो क्या है कि कुछ लोग घबराते हैं, डरते हैं। ये इंडस्ट्री में ये पॉलिटिक्स चलती रहती है कि आप अगर किसी से 18 हैं, 17 हैं, तो वो सब बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन आप जब 21 या 22 पढ़ने लग जाएं, उससे नजर आने लगे, तो वो बंदा जो है आपसे घबराने लग जाता है, डरने लग जाता है। समझे जी जी। वो आप काटने लगता है। आपको इस बात का कभी दुख नहीं हुआ? एक बड़े बड़े राइटर हैं हमारी इंडस्ट्री के, बहुत बड़ा नाम है, नाम नहीं लूंगा मैं। उन्होंने तो राकेश रोशन से कहा कि मैं आपकी फिल्मों में आके गाने लिखना चाहता हूँ। राकेश रोशन ने कहा कि आप तो बहुत बड़े राइटर हैं, पैसा भी बहुत है, एक एक गाने के 5-5, 6-6 लाख रुपया आप लेते हैं, और मेरे पास जो राइटर है वो बहुत ही कहना चाहिए कि इतना महंगा राइटर नहीं है और गाने बहुत अच्छे लिखता है वो। तो जब तक मेरे पास है तब मैं आपको नहीं ले सकता। तो अप्रोच की लोगों ने राकेश रोशन के यहाँ और हमारी जोड़ी तोड़ने के लिए, और वक्त ऐसा भी आया जब ये जोड़ी ऐसी ही साजिशों की वजह से टूटी भी, और शख्स ने राजेश रोशन के साथ एक पिक्चर भी लिखी, गाने शख्स ने, लेकिन उनका एक गाना भी नहीं चला, वो पिक्चर हुए। नाम बहुत बड़ा, नाम नहीं लेना चाहिए। जी जी जी, मैं समझ गई, अब आप नाम नहीं लेना चाहते हैं, आप चाहते ही नहीं है कि कंट्रोवर्सी में फंस जाए कोई, बस जो बीत गया है वो एक सपना था, आगे बढ़ते रहना है, वही एक अपना है और कुछ नहीं है, जो प्रेजेंट है वो एक अपना है। आप एक सहाफ़ी भी रहे हैं, ये बात आप बखूबी जानते हैं कि आजकल जो जैसे आपने पॉलिटिक्स की बात की इंडस्ट्री में, आजकल जो दौर चल रहा है नेपोटिज्म का, उसकी बातें हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है, क्योंकि इस बात का आपने भी जिक्र किया, हाँ ऐसा होता है और हर जगह पॉलिटिक्स चलती है और एक शरीफ इंसान इसका शिकार हो जाता है जो बहुत टैलेंटेड है। क्या आपको लगता है कि ये जो कुछ दौर चल रहा है आजकल, इस दौर को ख़त्म होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो हमारी इंडस्ट्री, हमारी बॉलीवुड का एक ना एक दिन मैार जो है वो वैसा नहीं रहेगा जो है? इंसान कभी नहीं मिटेगा, इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि ये हमेशा चलती रहेगी और फलती फूलती रहेगी। अब ये लोगों की कहना चाहिए कि ज़हनियत है, जो मानसिकता है, वो तो हर जगह ऐसी मिलती है, और ये साजिशें भी होती रहेंगी, काम भी होता रहेगा, और जिनको आगे निकलना है वो निकलते भी रहेंगे, और जो बेचारे हौसला हार जाएंगे वो फिर यहाँ से आउट भी हो जाते हैं जी। तो ये चलता रहेगा, साजिशें भी चलेगी, काम भी होगा, लोग हिट भी होंगे, समझे? अब ये तो दुनिया है, दुनिया में तरह तरह के रंग होते हैं, ये सारे जो है झलकते रहेंगे और हमारी में भी झलकते रहेंगे जी। ये चलता
जी जैसे आप अपने मेंटल हेल्थ की बात की, क्योंकि मेंटल हेल्थ से आप ही गुजर चुके हैं, वो इंदौर की अगर हम बात करें, आपके हालात ऐसे नहीं थे, आपके मुआफिक नहीं थे, आप जो चाहते थे वो आपको मिल नहीं रहा था, वालिद साहब के साथ आपके अच्छे रिश्ते नहीं हो रहे थे, कुछ इख्तिलाफात हो रहे थे, उसकी वजह से आपने कई मरतबा ये भी सोचा था कि आप सुसाइड करेंगे, लेकिन अगर आपकी माँ नहीं होती, वो सहारा नहीं बनी होती, उसने आपको समझाया नहीं होता कि नहीं आगे ज़िंदगी बहुत अच्छी है और हसीन भी है और आप कर पाएंगे, तो शायद चीज़ें अलग होती, क्योंकि आपकी माँ ने आपका साथ दिया। लेकिन इंडस्ट्री में आजकल जो चल रहा है, इतने सुसाइड्स हो रहे हैं, ये तो काफ़ी टाइम से हो रहा है। मैं एक लिरिसिस्ट शायर की बात नहीं कर रही हूँ, एक्टर्स भी हैं जो इस चीज़ से जूझ रहे हैं, जो बाहर से आ रहे हैं, सपना लेकर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ सपना बनते बनते टूट जाता है, कहीं साजिशों की वजह से, पॉलिटिक्स की वजह से, कहीं अपने लोग ही उनकी टांग खींच देते हैं, लेकिन वो हार जाते हैं। जैसे कई लोगों ने हिम्मत हारी, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी। आपको क्या लगता है कि जब आप इंडस्ट्री में नाम कमाते हैं, उस वक्त आपको अपनों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, कोई अपना साथ में होना चाहिए जो हौसला आपका बढ़ाता रहे? को मेंटल हेल्थ के बारे में क्या कहना आपका, जो आजकल दौरे हाजिर में चल रहा है इंडस्ट्री? तो कोई होता ही नहीं है यहाँ पे, अपना होता ही नहीं है, आपको खुद ही मतलब कहना चाहिए कि स्ट्रगल करना पड़ता है और खुद ही आगे बढ़ते रहना पड़ता है। बल्कि होता ये है कि जो आपके बहुत करीब होते हैं वही आपकी जड़ें काटने लगते हैं। तो इंसान को खुद अकेले ही जद्दोजहद करना पड़ती है और अकेले चलना पड़ता है। और टैगोर कहा, एकला चालो रे, तो एकला चलो एकला, रे। जी। एकला ही चलना पड़ता है, अकेले ही इंसान को अपनी तरक्की के लिए, अपनी रास्ते, अपनी मंजिल के लिए अकेला ही चलना पड़ता है। और जिंदगी का यही दस्तूर है, और जितना बड़ा ख्वाब होगा उतना ज्यादा अकेला चलना पड़ेगा। जी, तो आपका कहने का ये मतलब है कि जो इंडस्ट्री में आजकल मेंटल हेल्थ के शिकार हो रहे हैं, उनको एक्सपेक्टेशंस कम रखनी चाहिए अपनों से, और अपना सर्कल वैसे ही रखना चाहिए जहां वो लोगों पे, जिनको लगता है कि लोगों पे ट्रस्ट कर पाएंगे वो। सबसे पहले तो खुद पे ट्रस्ट करें, तो ये मेंटल हेल्थ इश्यूज होंगे ही नहीं। और उनको ये मान के चलना है कि भाई जिंदगी में अकेले ही आपको चलना है और अकेले ही अपनी जिंदगी जीनी है, तभी वो सक्सेसफुल और शांत स्वभाव के हो सकते हैं और इन चीजों में नहीं पड़ सकते। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। और एक्सपेक्टेशंस तो आपको किसी से करना ही नहीं चाहिए। एक्सपेक्टेशन करना भी है तो आप अपने आप से कीजिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या बात है कि मैं ये काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। ये एक्सपेक्टेशन इंसान को खुद से करना चाहिए, दूसरे से नहीं करना चाहिए कोई भी एक्सपेक्टेशन, क्योंकि दूसरा कोई भी आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं करता है। सही। कभी किसी डायरेक्टर से, किसी फिल्म मेकर से एक्सपेक्टेशंस कुछ रखी थी? मतलब पहले बहुत अच्छे दोस्त थे आपके, और उसके बाद जब आपका, जैसे मैं बात कर रही हूँ राजेश रोशन साहब के साथ या फिर ऋतिक रोशन के साथ, उनकी उनके प्रोडक्शन हाउस के साथ आपका बहुत ही अच्छा रिश्ता था, बाद में किसी न किसी साजिश की वजह से वो टीम टूट गई, क्या वो आपके पास आए मिलने के लिए? कभी उन्होंने आपका हालचाल पूछा, या फिर उन्होंने आपकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया बाद में, या अभी बातें होती हैं आपके साथ और आप आगे बढ़ते गए? मतलब ये सीन कैसा था उसके बाद, क्या आपके जज्बात को ठेस पहुंची? नहीं, ठेस नहीं, ये तो दुनिया का दस्तूर है, वो कोई मेरे रिश्तेदार तो थे नहीं ना, मैं उनका रिश्तेदार था तो वो मेरे बारे में सोचते या मैं उनके बारे में सोचता। एक वाकया हो गया और फिर हम अलग हो गए, तो उसमें जो गम नहीं। उसके बाद ने अच्छे गाने दिए, जैसे अब ये होंठ रसीले कितना हिट गाना दिया हमने, दर्शन के साथ कितनी हिट फिल्म दी हमने, सुभाष घई के साथ ब्लैक एंड व्हाइट के कितने हिट गाने दिए। अब इनमें तो सब अलग ही म्यूजिक डायरेक्टर थे ना जी, बिल्कुल। किसी में अपने आनंद मिलिंद थे, किसी में था, तो जरूरी नहीं था। मेरा काम अपनी जगह बोलता था और बोलता रहा। राजेश रोशन के साथ चूंकि ज्यादा मिजाज मिलता था, उनके साथ ज्यादा काम किया, तो अच्छा काम हुआ। मिजाज मिल, सुर मिलना बहुत जरूरी है म्यूजिक डायरेक्टर और गीतकार का जी, जब दोनों के सुर मिल जाते हैं तो अच्छा
संगीत बनता है, अच्छे गीत बनते हैं। जैसे कुछ और सवाल आपसे हम जरूर पूछना चाहेंगे, जैसे कि एक शायर है, कोई ना कोई दूसरा शायर भी मुतासिर करता है। आप बहुत अच्छे शायर हैं, अदब के साथ भी आपका ताल्लुक है, लेकिन कहीं ना कहीं बचपन से ही जो आप लिखते आए हैं, आपको कोई ना कोई शायर मुतासिर जरूर करता है, जिसको आपने सुना है, आपने पढ़ा है, जिसमें मैं अगर जिक्र करूंगी तो गालिब साहब को आप बहुत पसंद करते हैं, मीर साहब को आप बहुत पसंद करते हैं। सो इंडस्ट्री में कोई ऐसा शायर है जो आपको लगता है कि नहीं, बहुत ही बेहतरीन शायर है और आपके मिजाज के मुताबिक वो काम करता है, आपका मिजाज उनसे मिलता है? जितने लोग हैं, जैसे अब मैं इंडस्ट्री के दो चार शायरों को तो बहुत अच्छी तरह से पसंद करता हूँ, जैसे मजनू साहब थे। मजनू साहब ने 50 साल की इनिंग खेली और बहुत काम किया, और साहिल लुधियानवी थे, उन्होंने भी बहुत पे पीरियड तक काम किया, और शकील बदायूनी ने भी काफी लंबे अरसे तक काम किया। ये लोग ऐसे थे कि जिनको काम भी बहुत मिला और जिन्होंने काम भी अच्छा किया। हमारी बदनसीबी ये रही कि हमें ना तो ज्यादा म्यूजिक डायरेक्टर अच्छे मिले और ना डायरेक्टर अच्छे मिले। जितने में हमने काम किया, जैसे प्रियदर्शन के साथ हमारी एक ही पिक्चर है जी, लेकिन गाने दिए, उसके बाद उनके साथ कोई फिल्म नहीं हुई। राकेश के साथ हमने किया काम, लेकिन उनके यहाँ भी मतलब मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। अब जैसे 50-50, 25-25 साल लोगों ने किसी एक एक नौशाद साहब के साथ, शकील बदायूनी ने कम से कम 40 साल जिंदा रहे वो जी। और आए थे वो, तब से हमेशा नौशाद साहब के साथ रहे, तो ऐसा किसी म्यूजिक डायरेक्टर की तरफ से ऐसा साथ हमें नहीं मिला। मिलता तो हम भी बहुत कुछ और इससे आगे करते। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, जैसे कि आपने बीच में ही कहा, कहीं ना कहीं जो ही साथ बन जाता था, और यहाँ साजिशें इतनी चलती है, लोग पीछे लग जाते हैं, और इंसान कितना लड़ेगा फिर। इंसान को खुद से लड़ना होता है, वो ज़रूरी है, और इंसान के पास अगर हुनर है तो वो क्यों लड़े, ख्वामखा क्यों लड़े, वो तो आगे ही बढ़ता जाएगा। और वक्त आपका साथ हमेशा दे रहा है, आप बहुत अच्छा काम अभी भी कर रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद भी आपके पास फिल्में आ रही हैं, आप लिख रहे हैं, अपने मन मुताबिक काम कर रहे हैं, जो आपकी वालिदा चाहती थी वैसा ही हुआ, वैसे ही बड़े इंसान आप बन गए। लेकिन यहाँ जाते जाते ये बात तो ज़रूर पूछना चाहूँगी कि क्या आपको कभी कभी जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं, ये एहसास होता है कि आपने अपने बचपन को वैसे नहीं जिया, आपने अपने लड़कपन को वैसे नहीं जिया जिस तरह से एक आम इंसान जीता है? नहीं, ये जिंदगी में उतार चढ़ाव तो रहते ही है, और हमारी बुनियाद जो थी बचपन कहना चाहिए, अगर वो संघर्ष, वो जद्दोजहद नहीं होती तो मैं इतना आगे फेस नहीं कर पाता जितना मैंने फेस किया है, जितना मैं के साथ लड़ा हूँ। वो लड़ने की बात नहीं हो पाती अगर मेरा बचपन इतनी जद्दोजहद में नहीं गुजरा होता, हार जाता। अगर अचानक ऐसा कुछ होता कि मेरा बचपन बहुत अच्छा गुजरता और बाद में ये सब जद्दोजहद होती, तो मैं बहुत जल्दी हार मान लेता जी। लेकिन नियाज ही जद्दोजहद से शुरू हुई थी, इसलिए जद्दोजहद मैं करता रहा और कभी हार नहीं मानी। वेरी नाइस। इससे बड़ा और सेटिस्फेक्शन क्या होगा? आप देखिए, किसी भी गीतकार पे आज तक 5 PhD नहीं हुई है, मेरे काम पे, मेरे इल्म और अदब के काम पे 5 PhD हो चुकी है जी। बिल्कुल, बहुत बड़ा एजाज है। हाँ। मेरे जीते 5 PhD मुझ पे हो चुकी है, और पता नहीं कब तक कितनी PhD मुझ पे होगी। अब देखिए, आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ कितने भी संघर्षों से, जदोजहद से भरी क्यों ना हो, लेकिन एंड में आप फतेह का झंडा तो गाड़ ही देते हैं जब लोग आपके काम को सराहते हैं। अब आपने कहा कि इतने PhD आप पे हुई है, आगे जाके न जाने क्या क्या होगा, इतने एजाज से आपको नवाजा गया है। स्पेशली आपका काम जो है वो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री तक महदूद नहीं रहा है, बल्कि अदबी हलकों में भी आपके काम की बहुत सराहना होती है। आपका एक एक शेर जो है वो जिंदगी के बहुत करीब लाता है। आपने हर दौर देखा है, हर दौर में लोगों को बदलते देखा है, उस बदलते दौर ने भी आपके अंदर बहुत ही बेहतरीन इंसान, बहुत ही बेहतरीन शायर बनने का
हुनर जगाया है जो जगते रहना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मुझे तो लगता है कि आपको सल्यूट करना चाहिए, आपके काम को सल्यूट करना चाहिए। इश्क के जलवे हैं आंखों में। तो कौन सी ऐसी बात है जो इतने संघर्ष मुश्किलात के बावजूद भी जो इंडस्ट्री में आपने झेला है, देखा है, आपको इस इंडस्ट्री के बारे में, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बहुत अच्छी लगती है, जो कि कोई भी दौर आए उस दौर से वो बदला नहीं है, वो वैसा का वैसा ही है, क्या महसूस होता है आपको? हाँ, इंडस्ट्री दरअसल क्या है कि हमारे कहना चाहिए सभ्यता और संस्कृति का एक आईना है। और ये पूरा कल्चरल कहना चाहिए कि कल्चरल एकेडमी है जहाँ हमारे कल्चर को हम परवान चढ़ाते हैं, जहाँ हम अपनी तहजीब को आगे बढ़ाते हैं, जहाँ देखिए बहुत सारी चीजें यहाँ पे फनून लतीफा की, ललित कलाओं की यहाँ पे जिंदा होती है। जैसे कैमरा मैन अपना काम करता है, फोटोग्राफी है, जैसे राइटर जो है वो डायलॉग में अपना काम दिखाता है, अफसाना लिखता है, कहानी लिखता है तो उसमें अपना काम दिखाता है, गीतकार गीत लिख के अपना काम दिखाता है, डायरेक्टर जो है अपना हुनर डायरेक्शन में दिखाता है। तो इस तरह ये फिल्म जो है एक ऐसा मजमुआ है ललित कलाओं का, जिसमें बहुत सारे फन जो है, बहुत सारे आर्ट जो है वो शामिल है। और इसलिए इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री दूसरी कोई नहीं है जिसमें इतनी कल्चरल एक्टिविटीज होती हो, ऐसी कोई इंडस्ट्री मुझे नजर नहीं आती है। इसलिए फिल्म इंडस्ट्री जो है इन सब चीजों की वजह से बहुत ही नायाब, बहुत खूबसूरत और बहुत ही प्यार करने वाली इंडस्ट्री है। अल्लाह इसको खूब तरक्की दे और खूब हमारे यहाँ अच्छी अच्छी फिल्में बने। जी, आप ही की एक लिखी हुई गजल मुझे याद आ रही है जाते जाते, आओ ऐसे मोहब्बत करें मर भी जाए तो जिंदा रहे। ये मुझे जाते जाते याद आ रही है, हम जिस भी इंडस्ट्री में रहें, मोहब्बत के साथ अगर हम काम करते जाएंगे तो ज़िंदगी गुजारने के बाद जब हम अपने आखिरी मरहलों में आएंगे, आयाम में आएंगे, तब हमें याद किया जाएगा मोहब्बत की ही वजह से। सो प्यार बांटते चलो, यही मकसद रखकर हमें आगे चलते रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इतने बेहतरीन नगमे हमें देने के लिए और रिटायरमेंट के बाद भी इतना अच्छा काम अदब के लिए करने के लिए, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इब्राहिम अर्श साहब। सब सबका शुक्रिया, सामईन का भी शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया और इस गुफ्तगू के लिए। और बस इसी तरह से आप एक से एक बढ़िया इंटरव्यू करते रहिए, आप बहुत अच्छा काम करती हैं माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जरा नवाजी का। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम इब्राहिम अर्श साहब के साथ बेहद पसंद आ गया होगा। आप लिखिएगा जरूर shiba.latif@nw18.com पर। अगले दिल ने फिर याद किया मैं एक नई शख्सियत के साथ हाजिर हो जाएंगे, उनके जिंदगी के बीते पलों पर रोशनी डालेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अच्छी मौसीकी और अच्छी फिल्में देखने के शौकीन हो जाइएगा। अच्छी मौसीकी और अच्छी फिल्में हमें काफी कुछ सिखा के जाती है। फिलहाल खुदा हाफिज, बाय बाय। दिल ने फिर याद किया।